जय श्री राम। आज हमारे पास एक देखो कैन स्टार की एक कूलर आई हुई है जो कि काफ़ी लॉन्ग है और काफ़ी बड़ी है। डिस्टेंस आप देख सकते हो इसका कितना बड़ा है। टैंक कैपेसिटी का बात करूँ तो समथिंग 25 लीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी हो जाती है। बाय द वे ये बॉयलर है। जहाँ तक बात करूँ तो आप इस साइड से देखोगे तो इसमें ये एक बॉयलर फैन लगी हुई है जो कि आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे तो उसमें एक डैनर लगे रहते हैं, लेकिन इसमें बॉयलर लगी है तो यहाँ से फ़ैन आपकी हवा को बॉयलिंग करके आगे आपकी जाली से आप तक प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पहुँचाई जाती है। तो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आपके कुछ कूलर ऐसे होते हैं जिसमें कि टच मोड दिए रहते हैं, जैसे इसमें भी देखो तो पूरी की पूरी टच मोड दी गई है, जैसे पावर का, मीडियम हाई लो का, कूल का, उसके बाद में आपका मतलब हवा को घुमाने का और टाइमिंग का। तो कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं कि ज़्यादा दिन चलने के कारण से आपकी जो पीसीबी होती है इसमें जब कंट्रोलर होते हैं वो डेड हो जाते हैं। तो वो अगर पीसीबी अगर आप कस्टमर से लेते हो तो फिर ज़्यादा प्राइस पड़ जाती है। जैसे बात करूँ तो पीसीबी कुछ यूं ढंग का आता है इसमें का, और इसी यहीं इसका ये पीसीबी है। तो आखिरकार अगर ये पीसीबी ख़राब हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, आसान भाषा में उसको मैनुअल कर देते हैं। ये पहले से ऑटोमेशन में रहती है, यानी कि पूरी टाइमर से लेकर के ऑटोमेटिक ऑन ऑफ पूरी की पूरी कंट्रोल इसी पीसीबी में होती है जो कि आपको देखने में कुछ यूं ढंग से दिखती है। तो आगे और पीछे दोनों साइड से सील्ड किए रहते हैं जिसके कारण से इसमें पानी वगैरह नहीं जाते हैं। तो कुछ सिचुएशन ऐसे होने के कारण से पीसीबी अगर ख़राब हो जाती है तो ये पीसीबी रिपेयर भी होने वाली नहीं होती है, ताकि इसमें से कहीं से भी आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे जिससे आप इस चीज़ को रिपेयर कर पाओ। तो चलिए यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी ये पीसीबी ख़राब हो जाती है तो अपने कूलर को मैनुअल मोड में कैसे लानी होगी। जैसे बात करूँ तो अभी हमने देखो तो तीन हमने इसमें बटन लगा रखे हैं, एक आपका मेन पावर का हो जाता है, दूसरा आपका इसका वाटर पंप के लिए हो जाता है, और तीसरा ये स्विमिंग मोटर जो होता है इसका अप डाउन के लिए उसका हो जाता है। और मैंने कनेक्शन न्यू ढंग से इसका किया हुआ है कि जब तक आपका पावर मोड ऑन नहीं होगा तब तक ये दोनों स्विच आपकी एक्टिव नहीं होगी। तो चलिए इसको कैसे खोली जाती है और इसको कैसे सही की जाती है, उसको कैसे बनाई जाती है, कैसे कनेक्शन की जाती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहना। सो गाइस मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हो सीखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी भी चैनल के अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे ओपन की जाती है। तो ओपन करने के लिए कुछ सिचुएशन में ऐसे होते हैं कि पीछे के साइड से नट दी रहती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको लॉक लगाई रहती है। जैसे बात करूँ तो एक कोने के साइड से आप पेचकस को इसमें लगाओगे और इसके लॉक को जैसे ही आप ओपन करोगे तो फिर आप देखोगे कि इसकी पैनल जो होती है ना, जिसमें कि आपको ये वाली पैनल जो कि आपकी ये वाली बोर्ड होती है इसी बोर्ड में कसी रहती है। तो आप देख सकते हो मैंने इसका पैनल ओपन कर रखा है और इसका सर्वप्रथम आप कनेक्शन देखो मैनुअल मोड करने के लिए। तो आप ये देखना, जैसे मैं सपोज़ के लिए बताऊँ, आपकी जो फैन की जो मोटर होती है उसमें से भी दो वायरें आई रहेगी, जो आपकी वाटर पंप होती है उसमें से भी दो वायरें आई रहेगी, और जो आपका स्विमिंग मोटर होता है इसमें, यानी कि मतलब आपके हवा को दिशा देने का मोटर, उसमें भी से भी दो वायर आई रहेगी, पूरी की पूरी छः वायर रहेगी। तो उसमें आपको क्या करना होगा, एक वायर आपका फैन का, एक वायर आपका वाटर पंप का, और एक वायर आपका स्विमिंग मोटर का, सभी का लेकर के एक माइनस का सिरा बना लेना होगा। ऐसे ये देखो सारी की सारी वायर, जैसे आपकी पंप की हो या आपका स्विमिंग मोटर का हो या आपका मेन पंखी का हो, सारा का सारा वायर माइनस का जो होता है ये वाला सिरा हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, और इसी में हमने एसी इनपुट का एक वायर इसमें ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद इसकी कनेक्शन ख़त्म हो जाती है, माइनस की कनेक्शन हमारी ख़त्म हो जाती है। बात आती है प्लस के कनेक्शन का, तो प्लस के कनेक्शन के लिए हमने देखो ये जो रेड वाली वायर होती है ये हमने स्विच के मेन इनपुट पर डाले हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग टाइप हमने स्विच लगाए हैं, इस स्विच के मेन इनपुट पर डाले हैं जो कि हमारी सप्लाई आ रही है। इसमें का जो रेड वायर होता है ये हमने स्विच के मेन इनपुट डाले हैं, और ये जो ब्लैक वाली वायर है ये आपका कूलर का जो मेन वायर होता है, कूलर पंखे का जो मेन वायर होता है वो डाला है, और इसी आउटपुट से हमने सारे स्विच का इसका इनपुट निकाले हैं। ये जो स्विच होती है इसका इनपुट हमने इसी से निकाले हुए हैं, और जो हमारा स्विमिंग का एक हमने यहाँ पे कोड जोड़ रखा है और पंप का हमने एक यहाँ पे जोड़ रखा है। इससे बेनिफिट ये होती है कि जब तक आपका मेन इसका कूलर का पंप जब तक ऑन नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक आपकी ये वाली भी मतलब मोटर जो कि आपकी स्विमिंग मोटर हो आपकी एक्टिव नहीं होगी। चलिए फिर से कनेक्शन को समझाते हैं। आपकी वायर और मोटर से जितने भी वायरें आई रहेगी, यानी कि जितने भी उपकरण जैसे वाटर पंप लगाई हो, आपका स्विमिंग मोटर हो, वायरें होती है, तो उसमें से आपको एक एक वायर लेकर के आपको माइनस के साथ ऐसे ऐड कर लेना होगा। आपको दिखेगा ऐसे माइनस के साथ ऐड कर लेना होगा, और मेन वायर का भी जो माइनस होता है इसी में ऐड करके आपको टेप कर देना होगा। इसका कनेक्शन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बारी आती है प्लस वाले वायर का, तो जो आपने स्विच का जो मेन हिस्सा ले रखा है तो उसमें से आपको ये इनपुट की जो इसमें से रेड वाली वायर होती है ये आपका स्विच का सबसे फर्स्ट हिस्से पे आकर के जुड़ेगा, जो कि आप स्ट्रॉन्ग स्विच लगाए हो उस पर आपको सबसे फर्स्ट में आके जुड़ेगा, और यहाँ पे जो इसके नीचे जो स्ट्रॉन्ग टाइप मोटर है उसी के जो नीचे वायर जुड़ेगी, आपका कूलर के जो मोटर होगा उसका वायर यहाँ पर जुड़ेगा। साथ साथ इसी से हमने कनेक्शन इस स्विच का भी इनपुट ले रखा है, और आउटपुट के लिए हमने जितने भी मोटर के सर्किट आई है सारे के सारे वहाँ पर जुड़ रखे हैं, जिससे हमारी जो कूलर होती है ये मैनुअल मोड में बदल जाती है, जो कि पहले ये ऑटोमेशन मोड में चलता था, लेकिन अब हमने इसका पूरा दिशा चेंज करके इसको मैनुअल मोड में कर रखा है, जिससे हमारी फैन जो होती है बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी तरीके से चलने लगती है। सो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह की टच की
कूलर हो या आपका स्विच वाली कूलर हो, उसको चेंज करके आसानी से इस तरह से कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये कि इसमें कितने लोग रोटरी से बनाते हैं, लेकिन रोटरी से बनाने पर थोड़ा सा धब्बा दिखने लगता है, भद्दा दिखने लगता है, इसलिए ताकि इसमें कोई भी गैपिंग वगैरह नहीं रहती है, जिससे आप रोटरी अगर लगाते हो तो अलग से ही स्पष्ट रूप से दिखने लगती है कि हाँ इस पर रोटरी लगाई गई है, वो हमको स्पष्ट रूप से बहुत बढ़िया नहीं लगता है, इसलिए हमने इस स्विच का इस्तेमाल करता हूँ। ये स्विच कोई ख़राब होने वाली नहीं है, बहुत जल्द ख़राब नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय सियाराम।